हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टाटा कंज्यूमर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहां कहां पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक FMCG सेक्टर की स्टॉक है एंड आई गेस आप में से मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। एंड अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग जो टाटा टी, टाटा सॉल्ट ये सब कुछ यूज़ करते हो, ये सब यही कंपनी बनाती है एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी इन द वर्ल्ड। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 71,314 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 67.6 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 9.61% है कंपनी की ROCE एंड 6.51% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 10.3% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.7% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड 8.78% है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 1.2% प्लेज हो रखा है। अब अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3,362 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3,223 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3,036 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 के क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 276.51 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है, मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 289 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 241 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद, एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर गई है, इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। इंडिया से साफ पता लग रहा है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है इन जून 2022 की क्वार्टर इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस EPS की वैल्यूज आप लोगों के सामने है। जून 2022 की क्वार्टर में ये निकल के आई है 2.77 की, मार्च 2022 की क्वार्टर में ये थी 2.36 की एंड जून 2021 की क्वार्टर में ये थी 2.01 की। तो EPS की जो ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह ही है कंपनी की, यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड कंपनी की मार्जिन। एंड ये दोनों नेगेटिव ग्रोथ जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में ही देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ओवरऑल एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 के क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून 2022 के क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें,
फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइस अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 884 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 796 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून के क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 26% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक निकल के आई है एंड कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है एंड ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी भी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 730 रुपये से 740 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। जब इस रेंज की ब्रेकआउट होगी, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट होगा आप लोगों का 885 रुपीज का। लेकिन आप लोगों को एंट्री रिट्रेसमेंट के बाद ही लेनी है, रिट्रेसमेंट के पहले एंट्री मत लेना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।